नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ में अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से। भारी सर्दी के बीच श्रद्धालुओं ने देवपुर में लगाई डुबकी, किए महादेव विश्वनाथ के दर्शन। विदिशा के सिरोंज के देवपुर में मकर संक्रांति पर्व पर भारी सर्दी के बीच हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाकर पूजा अर्चना कर भगवान महादेव के दर्शन किए। गौरतलब है कि हर साल त्योहारों पर यहां एक बड़े मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहां पूजा अर्चना करने पहुंचते हैं। इसी तरह इस वर्ष भी मकर संक्रांति के पावन पर्व पर यहां बड़े मेले का आयोजन किया गया था, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने पहुंचकर डुबकी लगाई। ये एक प्रसिद्ध और प्राचीन मंदिर है। यहाँ दूर दूर से लोग आकर पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शिव ने बनासुर नामक राक्षस का वध किया था, तब बनासुर का सर यहीं गुफा में रख दिया था। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ दो कुंड हैं जिनका पानी कभी समाप्त नहीं होता। ये पानी कहाँ से आता है ये किसी को पता नहीं। एक कुंड में श्रद्धालु स्नान करते हैं, वहीं दूसरे कुंड के केवल दर्शन का ही महत्व है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ महादेव पर कुंड के जल से जलाभिषेक कर जो भी मन्नत मांगी जाती है वह पूरी होती है। इंडिया खबर लाइव के लिए विदिशा से एलन चौबे की एक रिपोर्ट। और इस मंदिर प्राचीन त्रेता युग से इस मंदिर की महत्ता है। यहाँ से दूर दराज मध्य प्रदेश नहीं, पूरे भारतवर्ष से लोग यहाँ पे माता बहने पुरुष स्नान करने आते हैं, बाबा विश्वनाथ बाबा का अभिषेक करते हैं। और यहाँ पे क्या नाम है, एक कुंड है, इसमें हमेशा 12 महीने 2400 घंटे पानी रहता है। ये पानी आज तक किसी को पता नहीं कहाँ से आता है, लेकिन ऐसी यह मान्यता है, ऐसा बोलते हैं यहाँ पे कि बाबा भोलेनाथ की जटाओं से जो गंगा जी प्रकट हुई है वो यहाँ पे कुंड में निकली है।